हेलो गाइस, दिस इज़ इंद्रजीत चौबे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक के बारे में, जिसका नाम है द वन थिंग बाय गैरी किलर एंड जे पापासन। गैरी किलर एक वर्ल्ड लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी के को फाउंडर एंड चेयरमैन है एंड जे पापासन किलर विलियम्स पब्लिशिंग के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये बुक हमें ऑथर कोई भी इम्पोर्टेंट काम को कंसंट्रेट करके उसे इजी बनाने का डिसिप्लिन सिखाता है और ये बुक न्यूयॉर्क टाइम, वॉल स्ट्रीट जर्नल एंड यूएसए टुडे पे बेस्ट सेलर भी रह चुके हैं। ऑथर ने इस बुक को 5 पार्ट में डिवाइडेड किया है, तो चलिए इसे पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, पुटिंग द वन थिंग टू वर्क। नंबर 2, द डोमिनो इफेक्ट। नंबर 3, द लायज। नंबर 4, द ट्रूथ। और नंबर 5, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट। अब हम लोग हर पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर 1, पुटिंग वन थिंग टू वर्क, मतलब आप खुद से एक सिंपल क्वेश्चन करें कि मैं ऐसा क्या काम कर सकता हूँ जो इसे करने से बाकी सब कुछ इजी और अननेसेसरी हो जाएगा। नंबर 2, द डोमिनो इफेक्ट। हाईली सक्सेसफुल पीपल एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए डोमिनो प्रोसेस को यूज करता है, मतलब ये पहला एकदम छोटा सा जो डोमिनो आप देख रहे हैं ये आपका वन थिंग प्रायोरिटी है। अब आपको इन्हें डे बाय डे मूव कराना होगा जब तक लास्ट डोमिनो गिर ना जाए। सिंपल लैंग्वेज में लाइफ में डोमिनो इफेक्ट की मीनिंग है एक छोटा सा इंसिडेंट को डिसिप्लिन के साथ क्रिएट करना होगा और उसको डे बाय डे डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना होगा। नंबर 3, द लाइज। ये 6 झूठ है जो हमारे सक्सेस को रोक रहा है। तो पहले आता है इवेंचुअली इक्वली मैटर। बेसिकली मैक्सिमम लोग बिलीव करते हैं कि उनके लाइफ में हर एक काम इक्वली मैटर करता है, लेकिन रियलिटी में ये झूठ है। आपको एक्सपर्ट बनने के लिए सिर्फ कुछ ही लिमिटेड काम पे ही आपको फोकस करना होगा। नंबर 2, द मल्टीटास्किंग। जैसे जैसे हम सब इंफॉर्मेशन और मीडिया का ज़माने में जी रहे हैं, मल्टीटास्किंग की हैबिट ज़्यादा ईजी लगने लगता है, क्योंकि हम एक साथ बहुत सारा चीज़ों पर काम कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हम मैक्सिमम वैल्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन सच में ये है कि मल्टीटास्किंग हमें स्लो कर देती है और हमें किसी भी चीज़ों पर पूरी तरह से कंसंट्रेट करने के लिए रोकता है। इसमें हमारा अंदर एंजाइटी, इरिटेट, अनसेटिस्फाइड ग्रो होता रहता है। नंबर 3, द डिसिप्लिन लाइफ। सक्सेस होने के लिए बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए, ये मिथ फुल्ली गलत है। फिर भी मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि हाईली डिसिप्लिन लोग ही सबसे ज़्यादा सक्सेस होता है, लेकिन हमें कोई भी काम पूरा करने के लिए सिर्फ जितना डिसिप्लिन की रिक्वायर्ड है बस उसे अच्छे से फॉलो करने से आपको अच्छा आउटकम मिलता है। नंबर 4, विल पावर इज ऑलवेज ऑन विल कॉल। सक्सेस पाने के लिए विल पावर को हर टाइम चालू रखने की ज़रूरत नहीं है। रियलिटी में कंटिन्यूसली विल पावर सप्लाई भी पॉसिबल नहीं है। हमारे लाइफ में विल पावर की फ्लो कभी अप्स तो कभी डाउन रहती है। आप इसे कब और कैसे यूज़ करेंगे ये फुल्ली आपका ऊपर डिपेंडेबल है। नंबर 5, द बैलेंस लाइफ। हर कोई बैलेंस लाइफ जीना चाहता है जहाँ पे सब कुछ एक ही बार में सेटल हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हमारे वन थिंग सिर्फ उसी जगह पे कंसंट्रेट करें जहाँ पे इसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बाकी सारे चीज़ों को छोड़ दें। नंबर 6, बिग इज़ बैड। जब हम स्मॉल सोचते हैं तो सक्सेस भी स्मॉल होता है। अगर हमारे टारगेट काफ़ी बड़ी नहीं है तो ये हमें पीछे छोड़ देता है, लेकिन जब हम बड़े सोचते हैं तो आउटसाइड ऑफ बॉक्स थिंकिंग रखने का साथ साथ फियरलेस की तरह काम भी करते हैं। ये वर्चुअली गारंटी देता है कि हम सक्सेस की तरह बढ़ रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे नंबर 4th पार्ट के बारे में, जिसका नाम है द ट्रूथ। ये जनरली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो पहले आता है द फोकसिंग क्वेश्चन। सब कुछ के लिए खुद को क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी होता है और ये क्वेश्चन सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। एग्जाम्पल, मैं ऐसा क्या काम कर सकता हूँ जिसे करने से बाकी सारा सब कुछ काम ईजी हो जाए। अब जब कंटिन्यूसली कंसंट्रेट करने वाले क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर भी देते हैं तो आपके एक के बाद एक करेक्ट काम करने का प्रोग्रेस बढ़ जाता है। आप सिर्फ ऐसे एक जगह पे कंसंट्रेट करें जहाँ पे आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है और जितना हो सके आप उस काम के डीप तक जाएं। ऐसे काम पर पूरी फोकस करें जो आपको सक्सेस के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड हो। नंबर 2, द पावरफुल क्वेश्चन एंड आंसर। आपके क्वेश्चन को बड़ा और स्पेसिफिक बनाइए। फॉर एग्जांपल, मैं नेक्स्ट 6 मंथ में अपना सेल को डबल करने के लिए ऐसा क्या काम कर सकता हूँ। अपने बड़े और स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए 3 टाइप का आंसर है। तो पहला, डूएबल, रियलिस्टिक एंड प्रोबेबल चेकअप करने के लिए टू डू लिस्ट बनाइए। नंबर 2, स्ट्रेच, आपके पहुंच के अंदर बट एकदम एंड पॉइंट पे अपना टारगेट को रखें। इससे आपको पुश मिलती है नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने के लिए। नंबर 3, ग्रेट, आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ के बहुत दूर जाना होगा और क्या क्या पॉसिबल है आपके लिए ये एक्सप्लोर करना होगा। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो एक आउटस्टैंडिंग आंसर की चूज़ करें।
डिस्कस करेंगे नंबर 5th पार्ट के बारे में, जिसका नाम है एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट अनलॉकिंग पॉसिबिलिटी विद इन यू। तो पहला पॉइंट है लिव विद ए पर्पस। आपके पर्पस आपके गाइडिंग फोर्स है। इस बात का कॉम्बिनेशन है कि आप कहाँ जा रहे हैं और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। आपका पर्पस आपके प्राइमरी काम को डिसाइडेड करता है। इसके बिना आप किसी भी काम को करने से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है और हमेशा सक्सेस के अगले मार्कर की तलाश में आप रह जाते हैं। आपके हैप्पीनेस के लिए मीनिंगफुल काम एंड एंगेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब अपने एक्टिविटी पे लगे रहते हैं और उनमें मीनिंग ढूंढते हैं तो आप एक पावरफुल एंड उसके साथ साथ हैप्पी फील करते हैं। पर्पस के साथ काम करने से क्लियरिटी जल्दी मिलता है। कोई काम आपके अकॉर्डिंग नहीं होता है तो आप उस टाइम पे ज़्यादा रेजिलेंट होते हैं, क्योंकि इस टाइम पे आप अपने पर्पस को समझना शुरू करते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्यों ऐसा काम कर रहे हैं, अगर आप श्योर नहीं हैं तो आप एक डायरेक्शन चूज करें और उसके साथ सीखना शुरू करें कि कैसे काम किया जाए। बट टू लीव बाय प्रायोरिटी। प्रायोरिटी वो है जो आप अभी करना चाहते हैं और जहां आप जाना चाहते हैं। आपकी प्रायोरिटी सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो आप अपने पर्पस को पूरा करने के लिए करते हैं। आपकी प्रायोरिटी लिखना जरूरी है। जो लोग अपना टारगेट को लिखते हैं उसे वो चीज ग्रैब करने में 39% चांसेस इंक्रीज हो जाता है। नंबर 3rd पॉइंट, लीव विद ए प्रोडक्टिविटी। सक्सेस प्रोडक्टिविटी में पैदा होती है। ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होने के लिए कुछ प्रोसेस हैं, जिनमें से आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 3 चीज़ों को राइट टाइम पे रोकना होगा। नंबर 1, टाइम ऑफ। अपने वैकेशन की प्लान पहले से बना ले ताकि कोई भी काम छुट्टी के बीच में ना आए। नंबर 2, द वन थिंग। आपके दिन को इस तरह से डिजाइन करें कि आप अपना एक काम को पूरी तरह से कंप्लीट कर पाएं। ऐसा करने के लिए 4 आवर्स अपना ब्लॉक कर दें। ये स्ट्रेटेजी सबसे अच्छा है, तो इसीलिए हर सुबह को ये प्रैक्टिस करते रहिए। और नंबर 3rd, द प्लानिंग टाइम। आपके वन थिंग क्या है, इसके जांच करने के लिए डेली, वीकली, क्वार्टरली एंड ईयरली एग्जामिन करें। एक काम के लिए अपना टाइम सेव रखें। जब कोई आपसे कुछ ऐसा करने के लिए कहें जो आपके लिए प्रायोरिटी के साथ अलाइन ना हो तो आप उस टाइम को सेव करें। ये उतना ज़रूरी नहीं होता है जितना आप सोचते हैं। अब हम लोग लास्ट पॉइंट पे बात करेंगे, जिसका नाम है द 4 प्रोडक्टिविटी थिप्स। इस पार्ट के पहला नंबर पे आते हैं इनएबिलिटी टू से नो। इसका मतलब आप हर चीज़ के लिए सबको हाँ नहीं कह सकते और ये आपको करना भी नहीं चाहिए। अपने सक्सेस को परसेंटेज बढ़ाने के लिए आपको सबको ना बोलना सीखना होगा। नंबर 2 पे बात करेंगे फियर ऑफ एज कैओस। मतलब आप हमेशा सोचते हैं कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये आपको पहले बंद करना होगा। नंबर 3rd, द पुअर हेल्थ हैबिट। मतलब अगर आप अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके पास सक्सेस होने का एनर्जी एंड एबिलिटी नहीं होगा। आपको अपना सबसे वैल्यूएबल एसेट को प्रोटेक्ट करना सीखना होगा, जो आप खुद हैं। इसीलिए डेली मेडिटेशन, एक्सरसाइज करें और डेली बेसिस पे 8 घंटा नींद लीजिए और अपने हेल्थ को अच्छे रखने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए वो बेझिझक कीजिए। नंबर 4th, एन एनवायरमेंट दैट डज नॉट सपोर्ट यू। मतलब आप डेली बेसिस पे किस तरह लोगों के साथ उठना बैठना करते हैं, इससे डिसाइड होता है आपका फ्यूचर और आपका सक्सेस। इसीलिए जितना हो सके मैक्सिमम टाइम सक्सेसफुल पीपल के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। जितना हो सके खुद को नेगेटिव पीपल से दूर रखिए। तो ये था पूरा समरी। अब हम लोग इसे शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। तो नंबर 1, द वन थिंग। सिर्फ आप एक ही काम पे फोकस करें जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। नंबर 2, द डोमिनो इफेक्ट। आप अपना एक अच्छा छोटा काम को डिसिप्लिन का साथ शुरू करें और उसे कंटिन्यू करते रहिए और उसका आउटकम आपको ह्यूज मिलता रहेगा। नंबर 3, द लाइज। हमारे लाइफ में 6 झूठ है जिसे हमें डेली बेसिस पे इग्नोर करना होगा। नंबर 4th, द ट्रूथ। हमें अपना लाइफ में एक बड़ा मीनिंगफुल क्वेश्चन को फॉलो करना होगा और उसके साथ साथ उसका राइट आंसर भी फाइंड आउट करना होगा। और नंबर 5th, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट। हमारे लाइफ में पर्पस, प्रायोरिटी एंड प्रोडक्टिविटी के साथ हमें जीना होगा। तो ये था पूरा समरी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और मेरा रिकमेंडेशन यही है, इस बुक को ज़रूर पढ़े क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये Amazon और Flipkart में इजी अवेलेबल है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय।